घटिया कानून के कारण कितना नुकसान होता है, उसमें एक बड़ा कारण यह भी रहा। ये खटखटिया स्कीम ने बहुत नुकसान किया इस साल, किया कि नहीं किया? खटाखट खटाखट खटाखट। अब खटाखट स्कीम ने हमें नुकसान कर दिया, और खटाखट स्कीम का मूल कारण क्या है? कानून घटिया है, यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो है नहीं, 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में झूठ बोलने को अपराध बनाया नहीं। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठी गवाही, झूठा अपराध, झूठा वादा, क्या बोलते हैं, झूठा हलफनामा, झूठी शिकायत, झूठा मुकदमा, कुछ भी अपराध नहीं है। इसलिए झूठ बोल लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोल दो हम 3-3 लाख रुपए देंगे, हम 5-5 लाख रुपए देंगे, फर्क क्या पड़ता? कौन लेने आ रहा है बात? कोई आ रहा है क्या? इस चुनाव में 400 पार न होने का, कम सीट आने का अलग अलग राज्य में अलग अलग कारण है, लेकिन दो कारण मैं आपको बता सकता हूं। पहला, वो खटाखट वाली स्कीम, और दूसरा 25 वीडियो फर्जी रिलीज किए गए पिछले एक साल के अंदर, और 25 वीडियो रिलीज किए गए और 25 आदमी भी अरेस्ट नहीं हुए, 25 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और कैसे कैसे वीडियो रिलीज हुए? गृह मंत्री जी का एक वीडियो आया, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी का वीडियो आया, दलित यहां खाना नहीं खाएंगे। एक और मुख्यमंत्री का वीडियो आया जिसमें एससी एसटी को अपशब्द कह रहे हैं, फर्जी वीडियो। प्रधानमंत्री जी का वीडियो आया, आरक्षण, ये संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, फर्जी वीडियो। राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो आया, आरक्षण खत्म कर देंगे। योगी जी का एक फर्जी वीडियो, मोदी जी का फर्जी वीडियो, माननीय संघ चालक जी का एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी वीडियो आया। अखिलेश यादव मंदिर में दर्शन करने गए तो मंदिर को धोया जा रहा है। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें प्रधानमंत्री जी मराठों को लुटेरा कह रहे। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें अमित शाह जी ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दे रहे। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें योगी जी ब्राह्मणों को गाली दे रहे। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें प्रधानमंत्री जी सिखों के बारे में अपशब्द कह रहे। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें राष्ट्रपति को जानबूझ के न बुलाने के लिए पूरी प्लानिंग हो रही है। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने गारंटी लिया है वो गारंटी एक जुमला है। एक फर्जी वीडियो आया भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं हमको संघ की जरूरत ही नहीं है। एक फर्जी वीडियो आया कि कर्नाटक के लोग पापी होते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक फर्जी वीडियो आया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो योगी जी को धक्का मार के बाहर निकाल रहे। एक फर्जी वीडियो आया जिसमें दिल्ली में मनोज तिवारी जी कन्हैयालाल से उसमें कन्हैया कुमार से हार मान रहे। एक फर्जी वीडियो आया आमिर खान और रणबीर कपूर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो आया साउथ में अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि सब लोग कांग्रेस वोट करो। ऐसे ऐसे 25 फर्जी वीडियो आए। उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा जरा बताइए? पड़ा। तो फर्जी वीडियो का फर्क पड़ा। फर्जी वीडियो का मूल कारण क्या है? घटिया, क्योंकि फर्जी वीडियो बनाना गंभीर अपराध नहीं है। बैंक फ्रॉड करना गंभीर अपराध नहीं है। साइबर फ्रॉड करना गंभीर अपराध नहीं है। कुछ भी वीडियो पे शेयर करना गंभीर अपराध नहीं है। अरे भाई, किसी को फर्जी वीडियो बनाने के लिए 5 करोड़ मिल रहा है, अगर उसके आप FIR कर दोगे, साल भर की सजा भी हो जाएगी, तो 1 साल तक जेल में रहेगा, 5 करोड़ मिल तो गए। कानून का खौफ नहीं है। एक और भी बड़ा कारण था, मैं आपको बता दूं। अब की बार 400 पार कहा तो, लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। उसका परिणाम यह हुआ, वो जो डॉट 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 गैप था उसका उन्होंने अपने हिसाब से भर दिया। भाई, हर सभा में बोला जा रहा था अब की बार 400 पार हो रहा था ना, सब लोग कह रहे थे, सभी लोग सभा में बोला गया, लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। अगर बता देते तो उसके बाद सेंटेंस को जोड़ने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि बताया नहीं तो लोगों ने, मैं यूपी से रहने वाला हूं, जो वीडियो वायरल हुआ वहां मैंने वीडियो देखा, उसमें आपस में चर्चा होने लग गई, भैया ये बताओ सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होती है, ये 400 क्यों मांग रहे? 400 मांग रहे जी संविधान को खत्म करने के लिए। अगर हमने हर सभा में बोला होता हमको 400 पार चाहिए, हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे,
तो वो मौका नहीं मिलता। अगर हम ये कहते हैं हम 400 पार चाहिए, हम गुलामी का नाम हटाएंगे, गुलामी का निशान हटाएंगे, गुलामी की कुरीतियां करेंगे, गुलामी को प्रथाएं खत्म करेंगे, तो मौका नहीं मिलता। तो जाने अनजाने में वो होगा। हमने ये तो कहा आपकी बार 400 पार, लेकिन नहीं बताया क्यों 400 पार, तो विपक्षी पार्टियों ने झूठा वीडियो बना के वायरल कर दिया और नतीजा क्या हुआ? एक जब जब कुछ घटना घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे भी चला देते हैं, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर, करते ही नहीं करते, फेसबुक पे लिखेंगे जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। कभी आपने सोचा कि आप पिछले 10 साल में जिनके जस्टिस की मांग कर चुके उनको जस्टिस मिला क्या? उनको कुछ हुआ क्या? आप लोगों ने जितनी ट्रेंडिंग चलाई है, मैं कुछ नाम बताता हूं जिनकी बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुई है, मैं वो नाम बता रहा हूं, जिनको गला वाला काट के मारा गया वो नाम बता रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश तिवारी लखनऊ में हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंद्र गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा, ये पुरुषों की है। अब मैं उन लड़कियों का नाम ले रहा हूं जो बाद में या तो फ्रिज में मिली या तो अटैची में मिली। मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रविता, अंजलि, ममता, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, मैं थोड़े से नाम लिए हैं जिसके लिए हम सबने ट्रेंड चलाया। इसमें से किसी को न्याय मिला क्या? जोर से बोलिए जरा। जब न्याय नहीं मिला तो खौफ कैसे पैदा होगा? जितना अपराध भारत में है इतना तो दुबई में भी नहीं है। चलो सिंगापुर छोड़ दो, जापान छोड़ दो, चीन छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं इतना अपराध दुबई में भी नहीं। जितना यहां अवैध निर्माण हो रहा है नहीं होता बाकी जगह। क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया। आखिर यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, जैसे ही कोई धर्मांतरण कराता है एनएसए लगा देती है, लेकिन आपकी पुलिस नहीं लगा रही है, तो आपकी पुलिस भी वैसा ही काम करे जैसे यूपी वाली पुलिस काम करती है, बंगाल की पुलिस, बिहार की पुलिस, एमपी की पुलिस, यूपी की पुलिस एक तरीके काम करना चाहिए, अलग अलग काम करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए। एक तरीके से तब काम करेगी जब एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा। पूरे देश की पुलिस एक समान काम करना चाहिए, अपराधियों के पीछे बुलडोजर लेके दौड़ना चाहिए, वो तब करेगी जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा। अपराध तब कम होगा जब हम कानूनों का मकरजाल खत्म करेंगे, वन नेशन वन पिनल कोड बनाएंगे। जैसे हमारे यहां क्या 50 कानूनों का मकरजाल है, अमेरिका में एक कानून है, एक किताब है बस। हमारे यहां घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण अलग कानून, घुसपैठ अलग कानून, जनसंख्या विस्फोट पर कोई कानून ही नहीं है। ऐसे मतलब जितने अपराध उतने कानून, पूरा कानून का मकरजाल बना दिया, इतने कानून बना दिए न वकील को याद रहता, न जज को याद रहता, न पुलिस को याद रहता, न इंस्पेक्टर को याद रहता, न कप्तान को याद रहता, इतने कानून बना दिए। और न्याय की शुरुआत कहां से होती? थाने से, एफआईआर से। एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा होता है? 12वीं या 10वीं। वो 10वीं और 12वीं पास कांस्टेबल 50 कानूनों का मकर जाल याद कर सकता है क्या? एक किताब हो, अगर वन नेशन वन पिनल कोड हो, आराम से आपने शिकायत दिया वो सीधे इंडेक्स में जाएगा। अच्छा चोरी हुई थी, चैप्टर ये। और क्या किया? गाली दिया, चैप्टर ये। और क्या किया? मोबाइल छीना, चैप्टर ये। और क्या किया? ये किया, चैप्टर ये। एक ही किताब में इंडेक्स खोल के फटाफट देखेगा, फटाफट चैप्टर वाइज जाएगा, कर देगा, एफआईआर कर देगा। अच्छी एफआईआर हो जाएगी, अच्छी जांच हो जाएगी, अच्छी गवाही हो जाएगी, फटाफट सजा भी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं भारत में कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, हर समस्या का इलाज संभव है। आप लोग केवल इतना करिए, अपने अपने सांसद विधायक को पकड़ के ये शुरू करिए पूछना, ये जो भारत की समस्या है, चाहे वो लफ जिहाद है, चाहे लैंड जिहाद है, चाहे धर्मांतरण है, चाहे घुसपैठ है, या जो भी है, ये पूरी दुनिया में है क्या?
ये लाइलाज है क्या? नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं। शेष आप लोगों से आग्रह ये मेरा है, अब आप लोग सड़क पे जो लड़ते हैं बहुत अच्छा लड़ते हैं, हिंदू सेवा परिषद का काम सड़क पे जबरदस्त है। अतुल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके से उन्होंने 12 साल हो गए, अतुल जी कहां है, अतुल जी आइए इधर आइए, 12 साल हो गए आपके संगठन को, 12 साल से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने युवाओं को आपने जोड़ रखा है, आप अपने स्तर पर अनेक काम करते रहते हैं, वो काम बताना भी ठीक नहीं यहां पे, लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया, मैंने सुना उसको समझा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना किसका काम है? घुसपैठ रोकना समाज का काम नहीं है, धर्मांतरण रोकना समाज का काम नहीं है। भाई मान लो कहीं चंगाई सभा हो रही है, आप चले गए जोश जोश में, आपने वहां 2 लाठी चला दिया, मुकदमा किसके खिलाफ होगा? आपका काम केवल इतना होना चाहिए कि आप 100 नंबर फोन करो, पुलिस पहुंच जाए, अलर्ट। समाज का इतना काम है कि उसको दिखाई पड़े भाई यहां पे हाईवे के किनारे 4 झुग्गियां बन रही है, वो फोन करे, शासन आए, बुलडोजर ले आए, सारी झुग्गी उठा के ले जाए, और जिन्होंने झुग्गी बनाया उनको 2-4 साल के लिए जेल में डाल दे। केवल झुग्गी तोड़ने से झुग्गी नहीं बनेगी, वो 10 झुग्गी बनाएंगे, आप 10 झुग्गी तोड़ोगे, फिर 10 झुग्गी बनाएंगे, 10 तोड़ी, ऐसे नहीं। उन्होंने झुग्गी बनाई है, तोड़ने का खर्चा भी उनसे लो, सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया, तोड़ने का खर्चा भी उनसे लो, 4-6 साल के लिए जेल में डालो, खौफ तो पैदा होगा। अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छड़ी लेके चलते हैं, चलते नहीं चलते क्या? हमेशा कुत्ते को मारने के लिए मारते रहते हैं क्या? वो छड़ी किस लिए लेके चलते हैं? डराने के लिए, मारते थोड़ी है। हमारे पास अग्नि मिसाइल हमने बना लिया, चलाया क्या? राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? ब्रह्मोस बना लिया, चलाया क्या? तो अग्नि, ब्रह्मोस, राफेल किस लिए रखा हुआ है? परमाणु बम हमने बना रखा हुआ है, चलाया क्या? किसने रखा हुआ है? डराने के लिए। ऐसे जो कठोर कानून बनाया जाता है वो रोज रोज चलाने के लिए नहीं होता, वो किस लिए होता है? खौफ पैदा करने के लिए। धर्मांतरण भी रोका जा सकता है, घुसपैठ भी रोकी जा सकती है, जिहाद भी रोका जा सकता है, मजहबी उन्माद भी रोका जा सकता है। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें मेरा यह मानना है पुलिस सिस्टम को बदलना होगा, जुडिशियल सिस्टम को बदलना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलना होगा, और भी टैक्स सिस्टम को बदलना होगा, बाहर की फंडिंग जो आ रही है उसको रोकना होगा, कई सारे कानून बनाना होगा। सारी बातें आज नहीं हो सकती हैं, बाकी वो आप लोग हमारे यूट्यूब से जुड़ के सुन लीजिएगा क्या क्या और कैसे हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बड़ा सीधा सा मतलब है दवाई में कुछ गड़बड़ी है, दवाई ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। जब तक दवाई नहीं बदलेगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।